नमस्कार मित्रों, इलेक्ट्रिक गीजर से आप लाइट बिल कैसे बचत कर सकते हैं, इसका आज फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। समझिए, आपके घर में सोलर रहेगा या बिल्डिंग में सोलर रहेगा तो वर्क करेगा आपका लाइट बिल बचत कम करने के लिए। ये देखेंगे तो ये देखो, ऊपर का वाइट पाइप दिख रहा है, वो सोलर का पाइप है। उसको कॉक लगाया, कॉक से डायरेक्ट वो पाइपलाइन डायरेक्ट गीजर में दिया है, तो गीजर का पानी वापस बाथरूम में जोड़ा है। ऐसा करेंगे तो लाइट बिल बचत हो जाएगी। कि उसका वजह क्या है कि आपका मैक्सिमम 20-30% गर्म पानी लेते हैं आप नहाते समय, उसके ऊपर कोई लेता भी नहीं है। समझो गीजर का मैक्सिमम समझो 10% या 15% पानी गर्म आता रहेगा तो डायरेक्ट गीजर में जाएगा, तो उसका 10 या 15 वापस गर्म करने के लिए उतना ही लाइट जलेगी आपकी। ऐसा करेंगे तो आपकी लाइट बिल बचत हो जाएगी। समझो मैक्सिमम बहुत गर्मी पड़ी तो धूप ज़्यादा रहेगा तो तभी तो पानी पूरा गर्म हो जाएगा आपका गीजर में, तो लाइट चालू करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, तो ऐसे बचत हो जाएगी आपकी। ये देखो, इलेक्ट्रिक गीजर से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गीजर में कभी कटआउट काम नहीं करता रहेगा तो पानी कम से कम 2000 से 3000 तक टेम्परेचर तक जा सकता है। ये देखो, इतना छोटा पाइप रहता है, इसका कितना बड़ा हो गया पाइप, फट गया है और सब बाथरूम का पाइपलाइन चेंज करना पड़ रहा है, वो स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी गीजर का पाइप फटने से बहुत गर्म पानी नहाते समय भी आंग पे आ सकता है।